नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। भारतीय कला और संस्कृति का ये वीडियो नोट नंबर 28 है, भाग 28 है। महत्वपूर्ण त्यौहार और मेलों पर आधारित भाग एक हम भाग 27 में आपके सामने प्रस्तुत कर चुके। बचे हुए त्यौहार और मेले, चाहे वो धर्म से रिलेटेड हों, चाहे वो धर्म निरपेक्ष त्यौहार हों, मेले हों महत्वपूर्ण, इस वीडियो नोट में हम देखने जा रहे हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि आपको चाहिए PDF तो जाइए हमारी वेबसाइट www.studyforcivilservices.com पर, जहाँ पे आपको इस सब्जेक्ट की PDF तो मिलेगी, साथ में बहुत सारी पाठ्य सामग्री मिलेगी। प्लस में सारी वीडियोज़ का एक लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया गया है, प्लेलिस्ट का, जिसपे क्लिक करते ही आपको सारी वीडियोस एक साथ देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्त का आज का ये वीडियो नोट नंबर 28। तो देखिए, हम बात करेंगे इसमें प्रमुख, सबसे पहले जैन त्योहारों की, जैन धर्म से रिलेटेड जो त्यौहार हैं उनकी हम प्रमुख जो त्यौहार हैं उनकी बात करेंगे। तो देखिए, पहला है इसमें महावीर जयंती। देखिए, भगवान महावीर के नाम पर ये त्यौहार पड़ा है। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, ये हम सबको पता है, ठीक है। जैन समुदाय इसे मनाता है और भगवान महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, ठीक है। अब देखिए, ये त्यौहार आता कब है दोस्तों? अभी ये गया है 29 मार्च 2018 को। देखिए, ये चला गया त्यौहार, फिर भी मैंने इसकी तिथि क्यों लिखी? आप कहेंगे सर ये तो गया। मैंने इसलिए लिखी है क्योंकि अगला कैलेंडर तो आपके पास होगा नहीं अवेलेबल। इस साल का जो कैलेंडर है उसमें आप ये देख सकते हैं कि 29 मार्च 2018 को देशी जो महीने हैं, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, कार्तिक, ठीक है, ये वाले जो महीने हैं, इसमें चैत्र कौन से महीने में आता है और फिर इस ये जो महावीर जयंती थी इसको तिथि क्या थी, इतना होमवर्क आप कर लीजिए, आपको देसी महीनों की तिथियों का और शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष सब का अंदाजा हो जाएगा। इसीलिए मैंने ये डेट लिखी है, मेरा प्रयोजन यही, इसके लिए यही था। अब देखिए, भगवान महावीर की प्रतिमा को दूध से स्नान करवाने की इस उपलक्ष्य में परंपरा है। देखिए, ये महावीर जयंती पर भगवान महावीर की जो प्रतिमा होती है, मूर्ति होती है, उसकी पूजा इसी हिसाब से की जाती है कि उसको दूध से स्नान करवाया जाता है, ठीक है। तो ये एक पूजा पाठ वाला स्नान होता है और फिर उनका एक जुलूस निकाला जाता है, पूजा दूध से स्नान करवा के उसका एक जुलूस निकाला जाता है। जैन धर्म के अनुयायी विशेष पूजा पाठ करते हैं, इस दिन क्या होता है, जैन धर्म के अनुयायी विशेष पूजा पाठ करते हैं, ठीक है। अब ये देखिए, यहाँ पर जो जैन धर्म से रिलेटेड जितने भी पवित्र स्थान है वहाँ पर इनके अनुयायी जो मानने वाले लोग होते हैं ये क्या करते हैं, वहाँ पर यात्राएं करते हैं, ठीक है। वो एक तरीके से धार्मिक यात्राओं में आ जाती हैं। जैसे हम बात करें तो भाई, उत्तर प्रदेश में हस्तिनापुर, बिहार का पावापुरी, ये जितने भी मंदिर है जैन धर्म से संबंधित ये प्रसिद्ध हैं। तो ऐसे विशेष अवसरों पर जैसे महावीर जयंती पर वहाँ पर लोग जाएंगे तो बहुत से लोग वहाँ पर जाएंगे और धार्मिक यात्रा के रूप में वहाँ पर यात्रा करके आएंगे, पूजा पाठ करके आएंगे, ठीक है। तो ये था महावीर जयंती, प्रमुख जैन त्यौहार के अंदर। नेक्स्ट देखते हैं हम इसमें पर्युषण पर्व, ये भी जैन से ही संबंधित है। पर्युषण पर्व, देखिए इस पर्व को जो जैनियों के जो दो धाराएं हैं ना, श्वेतांबर और दिगंबर, ठीक है, तो इतना तो आपको पता होगा श्वेतांबर वाले श्वेत वस्त्र धारण करते हैं और दिगंबर वाले वस्त्रहीन रहते हैं। तो श्वेतांबर जो मानते हैं वो इस पर्व को 8 दिन तक आयोजन करते हैं और दिगंबर वाले इस पर्व को 10 दिन तक आयोजन करते हैं। अब ये आयोजन होता कब है दोस्तों? देखिए, ये होता है श्रावण मास में, फिलहाल चल रहा है, अगस्त सितंबर में ये मनाया जाता है, श्रावण मास में मनाते हैं और इसको 8 दिन तक तो मनाते हैं श्वेतांबर और 10 दिन तक मनाते हैं दिगंबर समुदाय वाले, ठीक है। अब इसमें लास्ट में देखिए, जब पूजा की समाप्ति होती है, पर्युषण पर्व की पूजा की जब समाप्ति होती है तो सब लोग एक दूसरे से बोलते हैं मिच्छामि दुक्कड़म। मिच्छामि दुक्कड़म बोलते हैं, इसका मतलब होता है कि मैंने आपको जाने अनजाने में यदि कुछ गलत बोल दिया, मेरी वाणी से आपको ठेस लगी, तो मैं उसके लिए आपसे क्षमा मांगता हूँ, मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, किसी भी प्रकार से यदि मैंने आपका दिल दुखाया है तो मुझे माफ़ कीजिए। तो मिच्छामि दुक्कड़म ध्यान रखिएगा, पर्युषण पर्व में बोला जाता है पूजा की समाप्ति पर। श्वेतांबर और दिगंबर में इसे अलग अलग दिनों के अंदर मनाया जाता है, एक में 10 दिन चलता है, दूसरे में 8 दिन चलता है, जैन धर्म से ये संबंधित है, ठीक है। अब इस चीज में तो आपको ये ध्यान रखना ही पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, महामस्तकाभिषेक, ये बहुत बड़ा त्यौहार होता है, ठीक है, जैन धर्म का। ये देखिए, पहली बात तो ये है कि सबसे मुख्य बात तो ये 12 वर्ष में एक बार आयोजित होता है। कितने वर्ष में? 12 वर्ष में एक बार आयोजित होता है। श्रवण बेलगोला, श्रवण बेलगोला के अंदर ये कर्नाटक में मनाया जाता है। यहाँ पर भगवान बाहुबली की प्रतिमा का पवित्र स्थान
पवित्र स्नान यहाँ का विशेष आकर्षण होता है। देखिए, ये जो बाहुबली की मूर्ति है ये एक तरीके से 57 फीट ऊंची है, ठीक है? तो एक हम इसको बोल सकते हैं लगभग 18 मीटर, है ना, लगभग 18 मीटर के लगभग ये ऊंची है। उसके ऊपर जो उनका स्नान करवाया जाता है, पवित्र स्नान करवाया जाता है, ये यहाँ का प्रमुख आकर्षण है। 2018 में अभी फरवरी में कराया गया था और हमने आपको बताया ये 12 वर्ष में एक बार होता है। और अब देखिए, इस प्रकार से इसकी 88वीं वर्षगांठ थी, किसकी, भगवान बाहुबली की। तो यहाँ पर बहुत सी चीज़ों से, जैसे दूध हुआ, गन्ना हुआ, केसर का पेस्ट हुआ, इनसे इनको मिलाकर बाहुबली की प्रतिमा का क्या किया जाता है, एक तरीके से उसको स्नान करवाया जाता है, उसकी पूजा पाठ की जाती है, ठीक है? ऋषभ देव के पुत्र थे ये बाहुबली। नेक्स्ट देखिए, इन्हीं से संबंधित जैन धर्म से ज्ञान पंचमी। देखिए, ज्ञान पंचमी, नाग पंचमी अभी गई है श्रावण के अंदर, ये ज्ञान पंचमी है, जैन धर्म से संबंधित है। इसमें मान्यता ये है कि भाई इस दिन जैन शास्त्र लिखे गए थे, ठीक है? तो इसमें करना क्या होता है, इन लोगों को ग्रंथों की पूजा करते हैं, जैन ग्रंथों की, और भंडारों की सफाई करते हैं। इसे ऋतु पंचमी भी कहते हैं, ये ज्येष्ठ माह में मनाते हैं। जैसे ये ज्येष्ठ माह में मनाया जाता है, तो आपको देखिए, अब ज्येष्ठ माह कौन से अंग्रेजी के महीने में आता है, आप कैलेंडर उठाइए, आपको ये होमवर्क ही है, आपको पता लग जाएगा, आगे आप कभी भी नहीं भूलेंगे क्योंकि आप प्रैक्टिकली उसको देख लेंगे। तो इसलिए ज्ञान पंचमी भी जैन धर्म से संबंधित है। इसमें और कुछ भी नहीं, शास्त्रों की पूजा होती है, जो भी लिखे गए हैं जितने भी, उनकी पूजा पाठ की जाती है, ठीक है? नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, प्रमुख बौद्ध धर्म से संबंधित त्यौहार। जैन धर्म से हमने देख लिए, अब हम देखेंगे बौद्ध धर्म से। देखिए, बौद्ध धर्म में भगवान बुद्ध के नाम पर ही बौद्ध धर्म का नाम पड़ा है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम त्यौहार की बात करते हैं, बुद्ध पूर्णिमा की। तो देखिए, बुद्ध पूर्णिमा सामान्यतः तो ये अप्रैल मई में आता है, फिर भी ये तिथियों के हिसाब से होते हैं। जैसे इस बार मनाया गया 30 अप्रैल 2018, मना लिया गया, मेरा यहाँ पे प्रयोजन क्या है, मुझे दोबारा नहीं बताना पड़ेगा कि कैलेंडर देखिए, तिथि का पता लग जाएगा, ठीक है? कौन से तिथि को आया था, शुक्ल पक्ष में आया था या कृष्ण पक्ष में आया था, अमावस्या के हिसाब में आया था या पूर्णिमा वाले हिसाब में आया था, तो ये आप कैलेंडर देख के पता कर लीजिए। यह है दिन, इस दिन क्या होता है, पीपल पूनम के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है? पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, बोधि वृक्ष था वो, उसके उसको पीपल पूनम के नाम से भी बुद्ध पूर्णिमा के दिन को जाना जाता है। बहुत ही पवित्र त्यौहार होता है ये बौद्ध धर्म वालों के लिए। मुख्यतः इसका जो उत्सव होता है, देखिए, जहां पर भगवान बुद्ध का ज्यादा प्रभाव था, जैसे सारनाथ हुआ, बोधगया हुआ, वहां पर ही इसका विशेष उत्सव आयोजन होता है, जैसे सारनाथ और बोधगया में। तो बोधि वृक्ष की भी पूजा होती है, जिसके नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। भगवान बुद्ध की जन्म शताब्दी के रूप में इसको मनाते हैं, बुद्ध पूर्णिमा को भगवान बुद्ध की जन्म की शताब्दी के रूप में मनाया जाता है, ठीक है? तो ये क्या था, बुद्ध पूर्णिमा, बहुत ही प्रसिद्ध है। नेक्स्ट देखिए, सोमकरण, ये भी किससे संबंधित है दोस्तों, ये भी बौद्ध धर्म से संबंधित है, विशेषतः अप्रैल माह में मनाया जाता है। बौद्ध धर्म वाले लोग घरों की अच्छे से सफाई करते हैं। देखिए, जैन धर्म वालों ने भी सफाई की थी ना, भंडारों की सफाई की थी ज्ञान पंचमी में, ध्यान रखना। वैसे ही बौद्ध धर्म वाले सोमकरण वाले त्यौहार में घरों की अच्छे से क्या करते हैं, सफाई करते हैं, और बौद्ध भिक्षु जितने भी होते हैं उनके ऊपर इत्र, जिसको हम सेंट कह सकते हैं, परफ्यूम कह सकते हैं प्राकृतिक, उसका क्या करते हैं, छिड़काव करते हैं। इत्र एक सुगंधित पदार्थ होता है, जो हम आज को उसको आर्टिफिशियल तरीके से बहुत सारे रूपों में हम उसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? तो ये विशेषतः अप्रैल माह में मनाया जाता है, सोमकर्ण। नेक्स्ट देखिए, महत्वपूर्ण धर्म निरपेक्ष त्यौहार। यहाँ पे मैंने धर्म निरपेक्ष इसलिए लिखा है दोस्तों, ऐसे त्यौहार जिसमें कोई धर्म से विशेषता से नहीं जुड़े हुए, वो सिर्फ और सिर्फ हमारी परंपरा, हमारे रीति रिवाजों को फॉलो करते हुए उनमें कुछ भावनाएं हैं जो कि किसी भी धर्म की चादर नहीं ओढ़ रखी उन्होंने। तो देखिए, जैसे तीज है, विशेषतः ये जुलाई अगस्त में मनाई जाती है। अब जैसे 13 अगस्त को आएगी, देखिए, मैंने 13 अगस्त 2018 को तीज उत्सव मनाया जाएगा, तो ये विशेषतः किसके द्वारा मनाया जाता है, ये हमें चीजें पता होनी चाहिए। तो ये महिलाओं के द्वारा मनाए जाने वाला पूरे भारतवर्ष का प्रसिद्ध त्यौहार है तीज। अब मेहंदी लगाने की इसमें परंपरा होती है, महिलाएं बड़े रंग चाव के साथ में सस्ती सवरती हैं और मेहंदी लगाने की इसमें विशेष परंपरा होती है, ठीक है? और झूले झूले जाते हैं गाँव में, अब तो बहुत कम हो गई ये चीजें, देखिए प्रैक्टिकली ये चीजें बहुत कम हो गई। अब
आधुनिकता में सिमट गए हम लोग, लेकिन जो गांव में जो पहले जो मजे थे ना कि झूला झूलते थे, 10 10 15 15 दिन तक लोग स्त्रियां इतने हर्षोल्लास के साथ त्यौहार मनाते, आजकल त्योहारों का रंग फीका हो गया, मॉडर्नाइजेशन हो गया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने त्योहारों को एकदम निगल सा लिया है। तो झूले झूले जाते हैं, इनकी विशेषताएं आज भी झूले जाते हैं, तो ये इसमें हमने आपको बताई है। मनमोहक और रंगारंग त्यौहार होता है ये, अनेक शहरों में तीज की सवारी भी निकलती है, जैसे राजस्थान की तीज की सवारी प्रसिद्ध है, जयपुर के अंदर निकाली जाती है, ठीक है। तो ऐसे ही तीज के ऊपर तीज माता की सवारी निकलती है, और ये एक तरीके से सभी धर्मों में मनाया जाता है, पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। इस बार ये 13 अगस्त को आने वाला है और इसे तीज का त्यौहार हम कह देते हैं। तीज दरअसल में हम एक छोटे से शब्द से ले लेते हैं, जब भी थोड़ी सी बारिश होती है, ठीक है, तो उसके अंदर क्या होता है, जमीन से एक बिल्कुल रेड कलर का प्यारा सा जीव निकलता है, जिसे हम ग्रामीण अंचल में उसको तीज कहकर बुला देते हैं। तो उसका आना एक तरीके से खुशहाली का प्रतीक होता है, ठीक है, बारिश के मौसम में बहुत से आपने भी देखे होंगे बचपन में या अब भी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, रक्षाबंधन। अभी इसका आयोजन होना है 26 अगस्त 2018 को, तो ये भी श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है, ये चीजें ध्यान में रखनी है हमें। देखिए 26 अगस्त 2018 को कैलेंडर में जब आप देखेंगे तो मास तो श्रावण है देसी महीनों के हिसाब से, और प्लस में उस दिन पूर्णिमा होगी, ठीक है, पूर्णिमा को मनाया जाता है। और इसमें इसकी विशेष जो बात है वो आप सबको पता है, फिर भी बताता हूँ कि बहनों द्वारा भाइयों को रक्षा सूत्र बांधा जाता है, उस रक्षा सूत्र में भाइयों के कल्याण और समृद्धि की कामना होती है, और भाई बहन के सर पर हाथ रखकर उसके उसकी रक्षा का क्या देता है, सुरक्षा का वचन देता है, प्लस में उसको कुछ गिफ्ट देने की भी परंपरा चल गई है। तो ये रक्षाबंधन का त्यौहार भाई बहनों का त्यौहार होता है, बहुत ही प्रसिद्ध त्यौहार है, पूरे भारतवर्ष में सभी धर्मों में लगभग इसको मनाया जाता है, ठीक है। अब ये रक्षाबंधन हो गया। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे अब बात करेंगे हम गणगौर उत्सव की। देखिए गणगौर जो उत्सव है ना, ये विशेष है, हम यहाँ पे देख लीजिए, गण और गौर दो नाम से बना है। गण का मतलब होता है शिवजी भगवान और गौर का मतलब होता है पार्वती। तो शिवजी भगवान और पार्वती पर आधारित ये क्या है, उत्सव है दोस्तों, क्या, गणगौर। अब देखिए विशेषतया राजस्थान में और मध्य प्रदेश में इसके रंग देखने को मिलते हैं गणगौर के। चैत्र शुक्ल तृतीया को 20 मार्च 2018 को ये मना लिया गया। कुंवारी लड़कियां अच्छे वर की चाह में इस दिन व्रत रखती हैं, ठीक है, गणगौर की सवारी निकाली जाती है बाकायदा, छोटे छोटे बच्चों को गण और गौर बनाकर पूरे मोहल्ले में चक्कर कटाया जाता है, उनका एक तरीके से विवाह करवाया जाता है। तो ये एक तरीके से हर्षोल्लास द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार है गणगौर, विशेषतः इसकी छाप जो है वो राजस्थान और मध्य प्रदेश के अंदर देखी जा सकती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं ओणम। जब हमने वीडियो नोट शुरू किया था तो हमने ओणम की और पोंगल की हल्की सी बात की थी, अब हम बता देते हैं आपको, ये त्योहार, इस त्योहार की प्रसिद्ध बात है कि इस त्योहार में सर्प नौका दौड़ होती है जिसे वल्लम काली कहते हैं। देखिए एक नौका दौड़ होती है इस त्योहार के ऊपर आयोजित ही की जाती है, उसे वल्लम काली कहते हैं। ये केरल में विशेषतः मनाया जाता है ओणम, ठीक है, सितंबर में ये आएगा। घरों में सुंदर रंगोलियां बनाते हैं, रंगोलियां किसकी बनाते हैं दोस्तों, एकदम प्राकृतिक फूलों की पंखुड़ियों की रंगोलियां बनाते हैं, सजाते हैं उसको। अब यहाँ पे देखिए ये रंगोली जैसे जैसे ओणम का जो मेन दिन होता है नजदीक आता जाता है, उसका घेरा बढ़ाते जाते हैं, फूलों की मात्रा पंखुड़ियों की मात्रा उसमें बढ़ाते जाते हैं, प्लस में जो महिलाएं होती है घर की वो इसके चारों तरफ क्या करती हैं, नृत्य करती हैं। तो बहुत ही हर्षोल्लास के साथ में मनाया जाने वाला त्यौहार है ओणम, विशेषतः यह केरल में मनाया जाता है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों पोंगल, तमिल हिंदुओं का प्रसिद्ध त्यौहार है ये, क्या, पोंगल। अब इसको 13 से 16 जनवरी के बीच में मनाते हैं, ये 13 से 16 जनवरी तक नहीं मनाया जाता, ये मत समझ लेना इसको, 13 से 16 जनवरी के बीच में ये लगभग आता है। चावल उबालने का इसमें रिवाज है, फिर उसको प्रसाद के रूप में वितरित करते हैं। इस समय उत्तरी भारत में मकर संक्रांति मनाई जाती है। जब मैंने आपको शुरू वाले टॉपिक में मकर संक्रांति बताई थी, ठीक है, 14 जनवरी के आसपास, तो देखिए 13 से 16 जनवरी की इसमें बात हो रही है, तो 14 जनवरी को लगभग मकर संक्रांति मनाई जाती है, तो इसी उसी समय दक्षिण भारत में पोंगल उत्सव मनाया जाता है। ओके, तो ये लगभग तमिल हिंदुओं द्वारा मनाया जाने वाला एक प्रसिद्ध त्यौहार है, और इसमें चावल उबालने की क्या है, परंपरा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कुछ प्रसिद्ध त्योहार देख लेते हैं यहाँ पर, जैसे ड्री त्योहार है अरुणाचल प्रदेश का प्रसिद्ध है, ठीक है, ड्री त्योहार कहाँ का प्रसिद्ध है, अरुणाचल प्रदेश का। इसी प्रकार मजुली त्योहार असम में मनाया जाता है, अंबुबची कामाख्या मंदिर असम में मनाया जाता है,
खर्ची पूजा त्यौहार जो होती है ये त्रिपुरा में मनाया जाता है, और लोसुंग त्यौहार सिक्किम में मनाया जाता है। अब देखिए यहाँ पे एक छोटी सी जनरल सी बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये जो त्यौहार है ना, इनके साथ में मेले भी जुड़ गए हैं। क्या जुड़ गए हैं? मेले। बहुत से त्यौहार है जब मेलों का आयोजन किया जाता है। देखिए स्थानीय राज्य के हिसाब से, छोटे क्षेत्रों के हिसाब से देखिए तो मेलों की संख्याएं अनेक हैं। बहुत सारे मेले भरते हैं छोटे मोटे, हर देवी देवता के, हर हर प्रकार की परंपरा के मेलों का आयोजन होने लग गया है। लेकिन पहले यदि हम बात करें मेलों के बारे में, तो भारत में जो प्रमुख मेलों की बात करेंगे, उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों कि मेले पहले किस लिए भरते थे। देखिए सारे रिश्तेदार दूर दराज रहते थे, किसी के पास भी आने जाने का, बात करने का कोई भी साधन नहीं होता था, तो हम बात कैसे करें। तो उस समय पर एक मेले पर मिलकर सभी रिश्तेदार कहते थे कि भाई हम अगले मेले में फिर यहाँ पे सभी इकट्ठा होंगे और सभी मिलेंगे। तो बस वो लोगों का आकर एक जगह इकट्ठा होकर मिलना प्रेम भाव से, वही क्या कहला दिया, मेला। और वो मेले की परंपरा धीरे धीरे धार्मिक होती गई, फिर वो व्यापारिक दृष्टि में तब्दील हो गई, और अब मेले का स्वरूप जो आप देख रहे हैं वही है। जी हाँ, वहां पर धार्मिक आर्थिक सारी क्रियाएं होती हैं। तो चलिए देखते हैं भारत के प्रमुख मेले। देखिए दोस्तों, पहले के समय में अपने लोगों के रिश्तेदारों से मिलने के लिए, जैसे हमने आपको अभी बताया, ये परंपरा शुरू हुई थी, उन्होंने मेलों का भव्य रूप धारण कर लिया। भारत के बहुत सारे भागों में मेले आयोजित होते हैं जिनमें धार्मिक, मनोरंजनात्मक और आर्थिक क्रियाएं भी आजकल होने लग गई। तो इसमें हम सबसे पहले जो बात करेंगे प्रसिद्ध मेले की, वो है दोस्तों कुंभ का मेला। ठीक है, ऐसे कई बार कह दिया जाता है कि बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हो जाती है, तो कहते थे क्या कुंभ का मेला भर रहा है यहाँ पर। तो कुंभ का मेला ऐसा ही है, लाखों लाखों श्रद्धालु वहां पर इकट्ठे होते हैं। 3 वर्ष में एक बार ये मनाया जाता है। कुंभ का जो मेला होता है, भरता है, ये 3 वर्ष में एक बार मनाते हैं। प्रतिदिन यहाँ पर लाखों श्रद्धालु पवित्र नदियों में डुबकियां लगाने आते हैं। ठीक है, अब देखिए नासिक के कुंभ के मेले को सिंहस्थ कुंभ मेला भी कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए इलाहाबाद, हरिद्वार, नासिक, उज्जैन, ये 4 क्षेत्र मैं आपको बता रहा हूँ, 4 जगह बता रहा हूँ जहाँ पर नदियों के संगम पर क्या होता है, ये कुंभ का मेला आयोजित होता है। अब देखिए इलाहाबाद और हरिद्वार का अर्ध कुंभ मेला प्रति 6 वर्ष में एक बार भरता है, ये भी बहुत प्रसिद्ध है। अब देखिए कुंभ के मेले के साथ में एक हिंदुओं की प्राचीन एक कथा जुड़ी हुई है जिसे समुद्र मंथन के नाम से जानते हैं। ऐसा कहा गया है कि देवों और असुरों में यहाँ पर समुद्र के अंदर, आपने देखा होगा कि भाई रस्सी खींचकर जो अमृत होता है उसको खींचा जाता है, और विष्णु द्वारा कुंभ को ले जाते समय, वो कुंभ कहलाया, वो कलश, उसको ले जाते समय उसकी कुछ बूंदे हैं वो पृथ्वी पर छलक गई, और ये पृथ्वी पर जो बूंदे छलकी वही ये 4 स्थान है, इलाहाबाद, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन। यहीं पर इस कुंभ के मेले का क्या होता है, आयोजन होता है। तो लोग अपने पुण्य कमाने के लिए कुंभ के मेले में शरीक होते हैं। तो दोस्तों अच्छे से समझ में आ रहा होगा, आई होप। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर पुष्कर मेला। राजस्थान का ये विशेषता है वार्षिक मेला है, वर्ष में एक बार भरता है। देखिए विशेषता इसकी क्या है दोस्तों, पशुओं का सबसे बड़ा मेला है, पशुओं की खरीद फरोख्त यहाँ पर होती है, और सबसे बड़ी बात यहाँ पर विदेशी पर्यटक सबसे ज्यादा आते हैं। पुष्कर मेले में राजस्थान में विदेशी पर्यटकों की संख्या बहुत ज्यादा होती है। कई प्रतियोगिताएं आयोजित होती है, मनोरंजनात्मक कार्य किए जाते हैं, जैसे ऊंट दौड़ प्रतियोगिता, मूछों की प्रतियोगिता, ठीक है, ये यहाँ पर होती है। पुष्कर मेले का जो केंद्र है वो अजमेर है दोस्तों, जो राजस्थान में स्थित है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन ये मनाया जाता है। इसका जो देख रेख है, जो व्यवस्था है, वो कला संस्कृति और पर्यटन विभाग यहाँ पर करता है। ठीक है, तो ये पुष्कर मेला बहुत प्रसिद्ध है। कहाँ का है? राजस्थान से प्रसिद्ध है, अजमेर इसका केंद्र है, और पशुओं की खरीद फरोख्त के, मतलब यहाँ पर पशुओं की बिक्री बहुत ज्यादा संख्या में होती है, तो इसलिए ये प्रसिद्ध है, और विदेशी पर्यटक भी यहाँ पर बहुत आते हैं लुत्फ उठाने। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों कपिल मुनि का मेला। ये भी राजस्थान में ही है, और एक ऋषि जिनके कपिल मुनि नाम था उनका, उनके नाम पर ये मेला भरने लग गया। कोलाया झील है बीकानेर में जहाँ पर ये मेला आयोजित होता है। विशेषता इसकी भी यही है कि यहाँ ये भी एक तरीके का पशु मेला है, पशुओं की बहुत सारी प्रजातियाँ यहाँ पर लाई जाती हैं और उनको खरीदा और बेचा जाता है, श्रेष्ठ नस्लें यहाँ पर प्रदर्शित की जाती हैं। लोग स्नान करके, कोलाया झील के अंदर स्नान करके अपने पाप धोते हैं, पुण्य कमाते हैं, ऐसी यहाँ पर क्या है, परंपरा है। तो कपिल मुनि का मेला कोलायत बीकानेर राजस्थान से रिलेटेड है, ये चीज अब मैं आपको बता दी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों सूरज कुंड का मेला बहुत ही प्रसिद्ध है, फरीदाबाद हरियाणा में ये भरता है। फरवरी की शुरुआत में लगभग ये मेला भरा जाता है। शिल्प व कला संस्कृति द्वारा आयोजित होता है ये। संपूर्ण मेले में भारतीय छाप
छोड़ी जाती है, क्योंकि भारत में जितनी भी शिल्प कला से जो भी चीजें बनाई जाती है उनका प्रदर्शन यहाँ पर सूरजकुंड मेले फरीदाबाद के अंदर किया जाता है। तो दोस्तों ये मेले आपको देख रहे होंगे। नेक्स्ट देखिए सोनपुर का मेला। सोनपुर बिहार के अंदर स्थित है, तो बिहार वाले सोनपुर में जो मेला भरता है सोनपुर का मेला होता है। गंगा और गंडक नदी के संगम पर ये भरता है दोस्तों, कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर, और हाथियों की बिक्री हेतु प्रसिद्ध है। ऐसा कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य यहाँ से हाथी खरीदते थे। ठीक है, जो भी कहानियां पौराणिक कहानियां कथाएं जुड़ी हुई हैं उन्हीं के आधार पर मेले अभी भी भरे जा रहे हैं। तो देखिए ये जो मेला है ना, ये सोनपुर का मेला हाथियों की बिक्री हेतु प्रसिद्ध है। इसी प्रकार हम अन्य कुछ मेलों की बात कर ले, उत्तराखंड में जैसे कुंभ मेला हरिद्वार में, ठीक है, नंदा मेला अल्मोड़ा में भरता है, हरेला मेला भीमताल, माघ मेला उत्तरकाशी, ये उत्तराखंड के मेले थे प्रमुख। उत्तर प्रदेश में जैसे खिचड़ी मेला गोरखपुर में भरा जाता है, रामलीला मेला ओरछा में, दादरी मेला बलिया, और कार्तिकी मेला बिठूर, और कुंभ मेला उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो ये, और इस प्रकार आसाम में देखिए अंबुवासी मेला, कामाख्या मेला कामाख्या के मंदिर में, गोवा में गोवा कार्निवल आयोजित किया जाता है, राजस्थान में शीतला माता का मेला, करणी माता मेला, डिग्गी कल्याण जी, खाटू श्याम जी बहुत प्रसिद्ध है आज के दिनों में, बहुत लक्खी मेला बोला जाता है, लाखों की संख्या में भक्त यहाँ पे आते हैं, और तीज का मेला और सवारी यहाँ पर प्रसिद्ध है। तो दोस्तों इस वीडियो नोट में हमने आपको प्रमुख त्योहार बचे हुए और मेलों के बारे में आपको बताया। तो वीडियो नोट आपको कैसा लगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ PDF के लिए जाइए हमारी वेबसाइट www.studyforcivilservices.com पर, और पूरी प्लेलिस्ट क्रिएट करके आपको लिंक मिल जाएगा जिसपे क्लिक करके आप सारी वीडियोज एक साथ देख सकते हैं। तो वीडियो नोट देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।